नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बड़ी खबर आ रही है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण। पश्चिमी समुद्र तट पर ब्रह्मोस ने दमखम दिखाया। तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पश्चिमी समुद्र तट पर दमखम दिखाया ब्रह्मोस मिसाइल ने। पूरी दुनिया देख रही है ताकत। INS विशाखापट्टनम ने किया सफल परीक्षण। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद दुश्मन के भी होश फाकता। ब्रह्मोस की ताकत और दमखम जिसे पूरा विश्व देख रहा है। देखिए तस्वीरें, सफल परीक्षण। ये सबसे पहले न्यूज इंडिया इन तस्वीरों को दिखा रहा है आपकी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर। सफल परीक्षण विशाखापट्टनम में, ब्रह्मोस का दमखम, ताकत और पूरी दुनिया देख रही है। इन तस्वीरों को दुश्मनों के भी होश उड़ गए इन तस्वीरों को देख, इसीलिए न्यूज इंडिया इन तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहा है सबसे पहले। हिंदुस्तान दिन प्रतिदिन लगातार ताकतवर होता हुआ और यह सफल परीक्षण एक बार फिर। विशाखापट्टनम की ये तस्वीरें, समुद्र तट पर ब्रह्मोस ने दमखम दिखाया। यह है हिंदुस्तान की ताकत। विशाखापट्टनम से यह तस्वीरें सबसे पहले न्यूज इंडिया आपके सामने पेश करता हुआ। एक और बड़ी खबर, कुमार विश्वास के आरोपों पर अब सियासत अब गर्मा गई है। केजरीवाल पर आरोपों को लेकर जांच की मांग। अब पंजाब सीएम चरणजीत चन्नी ने जांच की मांग की है। पीएम मोदी को पत्र लिखकर चन्नी ने जांच की मांग की। कुमार विश्वास की वीडियो की जांच हो, चन्नी ने कहा, क्योंकि कुछ दिन पहले कुमार विश्वास ने जो बयान दिया, केजरीवाल ये जनसभाओं में कह रहे हैं कि विपक्ष की ये रणनीति कामयाब नहीं होगी क्योंकि पंजाब की जनता हमारे साथ है। लेकिन अब पीएम मोदी को पत्र लिखकर चन्नी ने जांच की मांग की है। कुमार विश्वास की वीडियो की जांच हो, चन्नी ने कहा। तो चरणजीत सिंह चन्नी का ट्वीट आप देखिए, ये पत्र जो पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा गया, केजरीवाल पर आरोपों को लेकर जांच की मांग। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो अपनी साजिश में नाकाम नहीं होंगे, पंजाब की जनता हमारे साथ है। कुमार विश्वास के बयान पर वार पलटवार का दौर लगातार जारी। ट्विटर पर भी मानो जंग सी छिड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता कल के दिन कुमार चड्ढा को भी आपने सुना था, राघव चड्ढा ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान दिया था। कुमार विश्वास के बयान को लेकर पंजाब की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। रिपोर्ट आप देखिए। तमाम दिग्गज पंजाब की धरती से हुंकार भर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पंजाब में रैली की। पंजाब में मजबूती से लड़ रही आम आदमी पार्टी को प्रधानमंत्री ने घेरा। कवि कुमार विश्वास के बयान के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला किया। आपने सुना होगा, कल इनके एक पुराने विश्वस्त साथी जो पिछले बार जो यहां के पंजाब के चुनाव के उनकी तरफ से इंचार्ज थे और उनके खासम खास दोस्त थे, मां सरस्वती की पूजा में लगा हुआ इंसान, कल उसने कह दिया जब दर्द काफी हुआ होगा तब उसने मुंह खोला होगा। और कल जब उसने कहा है, उन्हीं के साथी ने जो आरोप लगाया है वो बहुत खतरनाक है दोस्तों, बहुत खतरनाक है। कुमार विश्वास का केजरीवाल पर संगीन आरोप पंजाब के सियासी समर में बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। प्रदेश में कांग्रेस सत्ता वापसी की राह देख रही है, इसीलिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में राहुल गांधी को भी केजरीवाल पर अटैक करने का मौका मिल गया। क्या कुमार विश्वास सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? पंजाब में दिग्गजों का जमावड़ा है। कांग्रेस के धुरंधर लगातार कैंप कर रहे हैं। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी हाथ को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए बड़ी खबर आ रही है, यूपी में तीसरे चरण के लिए आज थम जाएगा प्रचार। यूपी में तीसरे चरण में 16 जिले हैं और 59 सीटों पर मतदान होगा।
20 फरवरी को तीसरे चरण की वोटिंग, 49 सीटों पर बीजेपी ने जीत प्राप्त की थी सन 2017 में। पहले जाट बेल्ट आपने देखा, फिर उसके बाद अब बारी है यादव बेल्ट की, जहां पर चुनाव होने वाला है। बसपा ने खाता भी नहीं खोल पाया था सन 2017 में इन सभी विधानसभा सीटों पर जो तीसरे चरण में जहां पर वोटिंग है। सपा के सामने चुनौतियां और बीजेपी के सामने चुनौती कि कैसे पिछले बार के प्रदर्शन को दोहराया जाए। यादव बाहुल्य सीटों पर भी बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था। अखिलेश यादव, सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी, मायावती, प्रियंका गांधी, सभी दिग्गज लगातार बड़े बड़े रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। बीस फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें से 9 जिले ऐसे हैं जो यादव बाहुल्य इलाके में है। 2017 में इन इलाकों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लिहाजा समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती इन यादव बाहुल सीटों को बचाने की है। रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर नोएडा तक अचानक दिन में धूप चलाने लगे, तापमान के तेवर जरा तीखे हो गए हैं। लेकिन ये गर्मी सिर्फ मौसम में नहीं है, मौसम की गर्मी से ज्यादा तपिश उत्तर प्रदेश के चुनावों में महसूस हो रही है। 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, यानी तीसरे चरण की चुनौती बड़ी है क्योंकि पहले दोनों चरण के मुकाबले चुनाव ज्यादा जिलों में है। तीसरे चरण में यूपी के 3 हिस्सों अवध, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में चुनाव है। तीसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस हैं, जहां 19 विधानसभा सीटें हैं। अवध रीजन के कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा 6 जिले हैं, जहां 27 विधानसभा सीटें हैं। और बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिले में मतदान है, जहां 13 विधानसभा सीटें हैं। 59 सीटों वाला तीसरा चरण हर पार्टी के लिए जरूरी है। बीजेपी पिछली बार के प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी पिछले नतीजों को अपने पक्ष में लाना चाहती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 59 में से 49 सीटों पर कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी के हिस्से 8 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को सिर्फ एक एक सीट ही मिली थी। खास बात यह है कि तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में चुनाव होना है, उनमें से 9 जिले यादव बहुल आबादी वाले हैं। इसमें फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और एटा जैसे जिले शामिल हैं। यादव बहुल सीटों के बावजूद समाजवादी पार्टी सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी। सत्ता में रहते हुए ये समाजवादी पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन था। यही वजह है कि यादव बहुल जिले को साधने के लिए बीजेपी ब्रिगेड परिवारवाद पर निशाना साध रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व की लहर पर सवार थी, जिसका फायदा साफ दिखाई दिया था। इस बार भी मुसलमान और दंगे जैसे शब्दों की गूंज के बाद सबसे ज्यादा शोर हिजाब पर मच रहा है। तीसरे चरण में 30 सीटें ऐसी हैं जो यादव बहुल हैं, और ये सीटें फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा जैसे जिलों में आती हैं। इसी मैनपुरी की करहल सीट में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश को जिताने के लिए चाचा शिवपाल यादव पुरानी बातें भूल कर प्रचार कर रहे हैं। करहल वो सीट है जो तीसरे दौर की सबसे हॉट सीट है। इस सीट पर अखिलेश यादव का मुकाबला बीजेपी के एसपी सिंह बघेल से है, जो केंद्र में मंत्री रहते हुए इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि तीसरे दौर के चुनाव में पूरा जोर दोनों गठबंधन का जातीय गुणा गणित को दुरुस्त करने का है। इस हिसाब से वोट पड़ते रहे हैं, इसलिए टिकट भी इसी हिसाब से बांटे गए हैं। हाथरस जिले की सीटों का चुनाव भी इसी चरण में है, जहां दलित युवती के साथ बलात्कार और उसके बाद प्रशासनिक मशीनरी का व्यवहार राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। अखिलेश यादव वोटरों के जेहन में इस मसले को जिंदा रखने के लिए हर महीने हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मना रहे हैं। इत्रदगे कन्नौज पर छापेमारी को समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था, और कन्नौज को बदनाम करने का आरोप अखिलेश बीजेपी पर लगाते रहे हैं। वहीं बिकरू कांड वाले इलाके में भी वोटिंग इसी चरण में होनी है। विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर और उसके एक सहयोगी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को जेल भेजा जाना यहां मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष इसे ब्राह्मणों के साथ अन्याय बता रहा है, तो कांग्रेस ने खुशी दुबे की बहन नेहा तिवारी को कल्याणपुर से चुनाव में उतार दिया है। बुंदेलखंड में पलायन जमीनी हकीकत है, पानी और रोजगार सवाल है। आवारा पशुओं से किसानों की बर्बाद होती फसल और खनन माफियाओं की भेंट चढ़ती प्राकृतिक संपदा एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है।
एक समय बुंदेलखंड बीएसपी का मजबूत गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीजेपी ने 2017 में अपना सियासी आधार मजबूत किया है। यादव बेल्ट के साथ साथ बुंदेलखंड के इलाके की सीटों पर इस बार कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। हर पार्टी चुनावी बिसात पर फूंक फूंक कर मोहरे बिठा रही है, लेकिन किसकी शय होगी और किसकी मात, ये तो 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि करहल विधानसभा सीट पर कैसी है हलचल, जब लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत। करहल में तीसरे चरण में चुनाव होना है। करहल यादवों का गढ़ है, लेकिन बघेल के मैदान में आने से माहौल यहां पर अब बदला बदला सा नजर आ रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में दो चरणों की लड़ाई के बाद अब तीसरे चरण की बारी नजदीक आ रही है। तीसरे चरण में 20 फरवरी को वोट डाले जाने हैं, जिसके लिए सभी सियासी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। वैसे तो तीसरे चरण में 59 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर समाजवादी पार्टी के गढ़ मेनपुरी जिले की करहल सीट पर टिकी है। करहल चुनावी कुरुक्षेत्र बन गया है, जिसमें शिरकत करने बड़े बड़े सियासी दिग्गज पहुंच रहे हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव करहल सीट से ही चुनावी मैदान में हैं, और इसी विजय रथ को बरकरार रखने के लिए समाजवादी पार्टी के संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह यादव चुनाव प्रचार करने पहुंचे। मुलायम सिंह यादव करहल के सियासी समीकरण से पूरी तरह वाकिफ हैं, और करहल भी नेताजी को खूब पसंद करता है। यही वजह रही है कि नेताजी को सुनने के लिए भारी भीड़ जुटी। मुलायम सिंह यादव ने चुनावी मंच से बीजेपी को निशाने पर लिया, यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी राज में किसानों का हाल और बुरा हो गया है। नेताजी के सानिध्य में अखिलेश यादव भी मुखर हो गए और अपने चुनावी क्षेत्र से बीजेपी पर बयानों की बौछार कर दी। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई पार्टी नहीं बोलती। बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? बताओ भारतीय जनता पार्टी झांसा देती है कि नहीं देती है? भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाती है कि नहीं लगाती है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलने लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनको भारतीय झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए, क्योंकि जनता उनका समर्थन नहीं कर रही है। इसलिए सहानुभूति लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। करहल विधानसभा सीट बीजेपी एक बार जीत चुकी है, लिहाजा गृह मंत्री अमित शाह ने करहल के मैदान से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश जी ने कहा कि मैं पर्चा डालने के बाद 10 मार्च को आऊंगा, कहा था ना, छठे ही दिन मैदान में आ गए, और आज भी मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था 5 किलोमीटर दूर कड़ी धूप में। इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा है नेताजी को। अब मुझे बताओ भाई, आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा? क्या होगा? कमल जीतेगा ना? करहल से बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल कभी समाजवादी पार्टी में थे और आज तक वो नेताजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी युद्ध में पीएम मोदी भी पूरी ताकत से प्रचार कर रहे हैं। फतेहपुर के चुनावी मंच से पीएम मोदी ने परिवारवाद के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर सबसे बड़ा वार किया। बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन हो, हर घर बिजली हो, हर गांव तक सड़क हो, पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, गरीब के लिए हम जो भी काम करें, ये परिवारवादियों को जिन्होंने गरीबों को वोट बैंक बना के रखा था, उनकी नींद हराम हो गई है कि हमने तो नारे दे करके उनको पकड़ के रखा। ये मोदी शौचालय दे रहा है, ये मोदी घर दे रहा है,
ये मोदी गैस का कनेक्शन दे रहा है, ये मोदी बैंक के खाते लगा रहा है, ये मोदी बच्चों को पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर रहा है, ये मोदी मुफ्त में बीमार हो गए तो दवाई की व्यवस्था करता है, इनको लग रहा है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग 20 फरवरी को होनी है और उसी चरण में करल सीट पर वोट डाले जाएंगे। वैसे तो करल यादव बहुल्य सीट है, लेकिन सियासत में कुछ भी संभव है। जिस तरह बीजेपी ने 2002 में यादव लैंड में सेंध लगाई थी, इसी इतिहास को दोहराने की बीजेपी उम्मीद कर रही है। और ये बात तो सब जानते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए बड़ी खबर आ रही है, बैंक घोटाले के बहाने वरुण गांधी का सरकार पर निशाना, देश में चल रही महाभ्रष्ट व्यवस्था, वरुण गांधी ने कहा माल्या नीरव। ऋषि अग्रवाल ने करोड़ों का किया घोटाला, कर्ज की बोझ तले देश में रोज करीब 14 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये कहा वरुण गांधी ने। मजबूत सरकार से मजबूत कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है, वरुण गांधी ने कहा और निशाने पर लिया मौजूदा सरकार को। विजय माल्या 9,000 करोड़, नीरव मोदी 14,000 करोड़, वरुण गांधी ने ट्वीट किया। ऋषि अग्रवाल 23,000 करोड़। तो चलिए बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।